गवर्नमेंट आपके लिए कर क्या रही है? कुछ नहीं कर रही, वो सिर्फ ये कर रही है 210 लाख करोड़ में से जो एमएलए मंत्री कल तक शराब बेचता था, दो नंबर हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो न्याय है वो न्याय संगत नहीं है। ये सारी चीजें प्री प्लांड है और दुनिया भर मोदी और बीजेपी कहती है कि किसान अनपढ़ है और ये विपक्ष की साजिश है। क्या भाई, विपक्ष 2014 में जब इन लोगों ने आपको वोट दिया तभी विपक्ष मोदी की सत्ता सिर्फ दो टांगों पे खड़ी हुई है, एक धर्म की नाम की लोगों के आंखों पट्टी, दोनों की तो कुर्सी के चार टांगे होती है, इसकी कुर्सी पे दो टांगे। जिस दिन एक टांग टूट गई ना, उस लोगों को मैं एक बात कहना चाहूंगा यार, आप पढ़े लिखे बुद्धिजीवी किस लिए पढ़ा? जमीन बेचने के लिए। 100 करोड़ की जनसंख्या आपसे उम्मीद बांधे खड़ी थी अब कोई फैसला करेंगे, आपने अपने तो हर सरेआम दलदीप सेंगर सरेआम रेप करता हो बचाने के लिए बीजेपी सरकार उसके समर्थन में रैली करती है, उनको न्याय नहीं दिला पाई तो किसानों को कैसे देगी? मेरा नाम मनदीप मलिक है, गांव उमरा, डिस्ट्रिक्ट हिसार, हरियाणा। प्रदर्शन जो आप लोग कर रहे हैं, क्या मुख्य मांगे हैं? अभी आप जो साझा कर रहे थे बात की किसानों को पैसा देने में सरकार जो हमेशा पीछे रहती है, तो उसको जरा देखिए, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हमारे देश में 70-80% लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खेती से जुड़े हुए हैं। जितना भी तबका लेबर मजदूर का तबका है देहात का और किसानी का, जो आज नौकरी पैसे में बड़े बड़े लोग हैं, उनका बैकग्राउंड अगर आप चेक करोगे तो कहीं ना कहीं किसानी से रिलेटेड है वो लोग। आपने देखा कि दुनिया की बड़ी से बड़ी अर्थव्यवस्था क्रैश हुई, बहुत बार हुई, लेकिन हमारे देश में ऐसा कभी नहीं हुआ। उसका कारण क्या है कि खेती जो हमारे देश का मैन है और हमें हमारे देश से जो उत्पादन हर प्रकार का, चाहे वो अनाज है, फल फ्रूट सब्जियां है, दूध है, A to Z ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हमारे देश से मिलती हैं, हमें बाहर से कोई चीज़ लेके नहीं आनी पड़ती। हमारे देश की सरकार बाहर से कोई भी चीज़ लेके आम आदमी को नहीं देती, वो यानी कि आम आदमी के ऊपर उसकी इन्वेस्टमेंट जीरो है। 210 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था हमारे देश में, जो आप चाहे किसी भी प्रकार के टैक्स लगा लो या खेती से या बिजनेस से सेवा कर जो भी है उनसे है। तो मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ कि वो कहती है ना कि किसानों को 23 प्रकार की फसलें हैं जो MS हमारे देश की सरकार खरीदती है हमसे, और 2 फसलों के ऊपर वो MSP जो कि गारंटी नहीं है, लिखित में नहीं है, वो देती है हरियाणा पंजाब में, जैसे गेहूं चावल हो गया 2 फसलों के ऊपर मिलती है, बाकी MSP नहीं मिलती। अपनी मनमर्जी से लोग स्टॉक करते हैं, कालाबाजारी के दम पे उनको खरीदते हैं। 210 लाख करोड़ में से मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, आप आम आदमी के ऊपर किस चीज़ का खर्चा करते हो? वो खर्चा करते हैं सिर्फ पॉलिटिशियन, पूंजीपतियों को जानबूझ के बड़े बड़े लोन दिए जाते हैं जानबूझकर कमीशन खोरी के चक्कर में। मान लिया अंबानी को उन्होंने 10,000 करोड़ का लोन दे दिया तो उनमें से डायरेक्ट 2,000 करोड़ का एक किसी नेता, मिनिस्टर या प्रधानमंत्री का कमीशन होगा। आप ये बताइए, हमारे देश में अब जितने भी बैंक के घोटाले हुए हैं 35-35 हज़ार करोड़ के, जितने भी नेता लेके भागे हैं, क्या किसी की रिकवरी हुई है? कौन करेगा रिकवरी? मैं करूँगा या आम जनता करेगी? सुप्रीम कोर्ट करेगा, प्रधानमंत्री करेगा? आम आदमी के ऊपर हमारे देश का एक पैसा खर्चा नहीं होता। आप अपने से लगा लीजिए, शिक्षा एजुकेशन आप अपने बच्चे को पढ़ाते किसी प्राइवेट स्कूल में तो फीस देते हो 50,000 देते हो। आप बीमार हो जाते किसी हॉस्पिटल में जाते हो, मान लिया हार्ट की दिक्कत है, 20,000-50,000 जो खर्चा लगेगा वो आप देते हो। रोड पे चलने का टैक्स है, ठीक है, बिजली का बिल है वो आप भर रहे हो। आप मार्केट से जो भी सामान खरीद के लेके आते हो डेली यूज का, मान लिया कि चाय पत्ती है, चीनी है, गुड़ शक्कर है, साग सब्जी, फल फ्रूट, आप सभी पे करते हैं, यानी कि आप हर चीज़ अपने पास से पैसा दे रहे हो। तो गवर्नमेंट आपके लिए क्या कर रही है? गवर्नमेंट आपके लिए कर क्या रही है? कुछ नहीं कर रही, वो सिर्फ ये कर रही है 210 लाख करोड़ में से जो MLA मंत्री कल तक शराब बेचता था दो नंबर की और बसों में टिकट काटता था फटे पुराने कपड़े पहन के, वो लोग आज दलाली करके 35-35 एकड़ में उनका महल है दिल्ली, गुड़गांव, चंडीगढ़, हर शहर में, विदेशों में प्रॉपर्टी है, जो देश की अर्थव्यवस्था का जो चूना लगा है ना वो पूंजीपति और हमारे नेताओं की वजह से लगा है, आम आदमी की वजह से नहीं लगा। आप देखोगे यार, कल तक इनके यार घर में है ना एक टाइम सब्जी बनाने का भी ब्योत नहीं था। इनके जो नितिन गडकरी है, ये जो आज इनके मोटे मोटे पेट है, कहाँ से फ्री का खा के देश की अर्थव्यवस्था ने लूट के। दुनिया के अंदर जो एक कानून है, आज से 50 साल पहले जितने विकसित देश हैं अमेरिका, यूरोप, उन्होंने लागू करके देखे, पूंजीपतियों ने आम जनता खून चूस लिया, उनसे पीछा छुटाने के लिए ये कानून रद्द किए, दोबारा से वहाँ पूरी तरह से सरकारी तंत्र है। अभी जो सरकार जो है कमेटी बनाई है सुप्रीम कोर्ट के जरिए बातचीत करना चाह रही है, उसमें क्या कहेंगे आप?
देखिए ये सारी चीज़ें जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो न्याय है वो न्याय संगत नहीं है, ये सारी चीज़ें प्री प्लान्ड है और दुनिया जानती है इन चीज़ों को, दुनिया देख रही है, इतना मूर्ख कोई नहीं है। नरेंद्र मोदी और बीजेपी कहती है कि किसान अनपढ़ है और ये विपक्ष की साजिश है, क्या भाई विपक्ष 2014 में जब इन लोगों ने आपको वोट दिया तभी विपक्ष की साजिश थी क्या? नरेंद्र मोदी कोई भी हादसा होता है, हाथरस कांड होता है, आंदोलन होते, वो कहते हैं कि विपक्ष की साजिश है कि यार आप देश के लिए कुछ कर तो सकते नहीं। नरेंद्र मोदी की सत्ता सिर्फ दो टांगों पे खड़ी हुई है, एक धर्म के नाम की लोगों को आंखों पर पट्टी बांध रखी है, दूसरी इसने जो कर रखा है पूंजीपतियों की, जिस दिन एक टांग टूट गई, औरों की तो कुर्सी के चार टांगे होती हैं, इसकी कुर्सी पे दो टांगे, जिस दिन एक टांग टूट गई ना उस दिन इसका लेने वो नहीं होगा। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की बात करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के जजों को मैं एक बात कहना चाहूँगा, यार आप पढ़े लिखे बुद्धिजीवी कहते हो अपने आप को, आपकी यार आपके माँ बाप ने आपको पढ़ाया, किस लिए पढ़ाया? जमीन बेचने के लिए। 100 करोड़ की जनसंख्या आप से उम्मीद बांधे खड़ी थी कोई फैसला करेंगे, आप में से सुप्रीम कोर्ट का जज रंजन गोगोई की तरह कल कोई राज्यसभा की टिकट मांगेगा, लोकसभा की मांगेगा, कहीं गवर्नर बनेंगे, यार आप लोग कर क्या रहे हो? इससे अच्छा तो अनपढ़ गवार किसान अच्छा आपसे, तो जो कम से कम नहीं आपको लगता है उम्मीद है? यार जिस सरकार का MLA कुलदीप सेंगर सरेआम रेप करता हो और रेप से बचाने के लिए बीजेपी सरकार उसके समर्थन में रैली करती हो, जिस लड़की ने यह कहा कि मुझे और मेरे परिवार को जान का खतरा है इन लोगों से, आप मुझे सुरक्षा दीजिए, सुप्रीम कोर्ट में उसने अर्जी लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने उसको किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं दी, 10 दिन के बाद पूरे परिवार के ऊपर गाड़ी में जाते हुए उस लड़की के ऊपर बुलडोजर चढ़ा दिया, यार सुप्रीम कोर्ट उनको न्याय नहीं दिला पाई तो किसानों को कैसे देगी? कंगना रनौत, सबसे पहले कंगना रनौत ने इनके जो बीफ खाने का जो इन्होंने कानून बनाया उसको फाड़ा था कंगना रनौत ने, लेकिन यार ये सुप्रीम कोर्ट कर क्या रहा है? हमारे देश में किसी प्रकार का सुप्रीम कोर्ट नहीं है भाई, और ये देश को और 100 करोड़ लोगों को और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, और देखो भाई हम क्या कर सकते हैं, हम तो आंदोलन कर सकते हैं शांतिपूर्ण बैठे हुए हैं, ये देश तो किसानों ने और मजदूर ने अपने हाथों से सजाया इस गुलिस्तान को, हम इतनी जल्दी इसको बिगाड़ तो सकते नहीं, खराब कर नहीं सकते, क्योंकि जजों ने तो अपना ईमान बेचा भाई, मंत्रियों ने बड़े बड़े घोटाले किए हैं, उन्होंने तो कोई फर्क पड़ता नहीं, वो तो दूसरे देश में चले जाएंगे, उनको क्या फर्क पड़ेगा, रहना तो आम आदमी को इस देश में है, किसानों को रहना है, तो हमें अपना देश को नुकसान तो कर नहीं सकते, वो मजबूरी है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट था, और जिस प्रकार के फैसले वो सुना रहा वो फैसले नहीं है, वो बीजेपी सरकार और RSS की दी हुई गाइडलाइन के ऊपर चल रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब पूरी तरह पूंजी आने वाले समय में, ये तो अभी किसान है, किसी को भी यार जो रेप हो गया यार उसको न्याय नहीं मिल पाया, किसानों को न्याय नहीं मिला, फिर न्याय कौन देगा? पाकिस्तान वाले देंगे क्या हमें, या अमेरिका के पास जाएं हम? इन जैसे चोर लुटेरों से पीछा छुटाने के लिए ये आंदोलन है, और ये आंदोलन भाई अब चाहे कितना ही लंबा चले, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई 100 साल 200 साल चली थी, ये तो अभी 1 महीना है। लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी को, आप ताकतवर नहीं हो, आप तो वो हो जिसके गले में पूंजीपतियों, और आप उनके दरवाजे के सामने उनकी सुरक्षा कर रहे हो, जबकि आपकी जवाबदेही 130 करोड़ लोगों के प्रति थी, ना कि 2 करोड़ लोगों के प्रति। इनके मंत्री ने सरेआम कहा, जो इनका कृषि मंत्री है तोमर, उसने कहा कि भाई हम अगर ये कानून वापस लेंगे तो अंबानी अडानी को क्या जवाब देंगे? उसका कहने का मतलब क्या था कि भाई ये कानून हमने अंबानी अडानी ने बनवाए हैं और आप कुछ नहीं कर सकते, तो सुप्रीम कोर्ट किसकी है? तोमर ने कहा था कि आप कोर्ट में चले जाइए, यार वो खुद कह रहा है कि कोर्ट में चले जाइएगा, मतलब अगर ये वहाँ जाएंगे वहाँ भी हमारे आदमी, उनका कहने का डायरेक्ट वो था कहीं घूम लो, आखिरी हथियार ऐसा होगा। मैं कहना चाहूँ नरेंद्र मोदी प्रशासन को एक बात कहना चाहूँ भाई, जो भी प्रशासन में SP DC और जज हैं और जो ये बंदूक लेके खड़े जो किसानों के सीने की तरफ इनकी जो नलियाँ हैं, मैं कहना चाहूँ कि आप एक बार अपने नमक देश के प्रति नमक अदायगी कीजिए, वो आपके देश के प्रति वफादारी दिखनी चाहिए, तो भाई आपको योगदान देना पड़ेगा, और आप ये नहीं है कि मेरे ऊपर SP है, SP के ऊपर अरे जो सुप्रीम कोर्ट संविधान को नहीं मान रहा, सरकार संविधान को नहीं मान रही, तो SP को कौन सा हक है वो संविधान को माने? और ये हमें आतंकवादी बोलते हैं, नरेंद्र मोदी मोहन भागवत तो हर रोज आतंकवादियों के टेबल पे खाना खाते भाई, अब यार ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि पुलवामा की जाँच क्यों नहीं हुई? क्या किसी आतंकवादी संगठन ने पुलवामा की जिम्मेवारी ली?
किसी की नहीं ली ना, अब तक जितने भी संघ वो थे हमले हुए थे सभी ने अपनी ली थी, लेकिन पुलवामा की किसी ने जिम्मेवारी नहीं ली, क्योंकि इनका मेन एक्यूज था देवेंद्र डीएसपी और वो प्री प्लांट था आरएसएस और नरेंद्र मोदी का, तो जांच कैसे करवाएंगे। 6 महीने पहले जो इनका राजनीति सलाहकार है सुरक्षा अजीत डोवाल, उसका लड़का एनआईए की टीम ने पकड़ा था, पाकिस्तान का बिजनेसमैन के साथ 2 नंबरों के हथियारों की तस्करी कर रहा था वो, और उसने ये कहा था एनआईए की टीम ने जी हमारे देश में आतंकवादी हमला हो सकता है, लेकिन उसको इग्नोर किया गया था क्योंकि उन सैनिकों की लाश को अपने फोटो पे लगा के इन्होंने वोट मांगे, लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल किया। जब पुलवामा हुआ 3:40 पे, तो 3:45 के ऊपर नरेंद्र मोदी के पास फोन आया था रक्षा मंत्री का, उन्हें कहा जी ऐसे ऐसे पुलवामा हो गया और हमारे 40-50 सैनिक शहीद हो गए, उत्तराखंड के अंदर रैली थी, उस बंदे ने हमारे देश का प्रधानमंत्री कितना गैर जिम्मेदार है, उसने ना वो रैली को कैंसिल नहीं किया, संबोधित किया था। यानी कि रैली जरूरी है, वोट जरूरी है चाहे कोई मर्जे, तो भाई अगर इसने हमारी चिंता को नहीं तो हमने भी इसकी चिंता को नहीं। और जो इस आंदोलन में आना चाहे है भाई धर्म का और जातिवाद का नकाब उतार दो, ये लड़ाई देश को बचाने की है, अगर एक बार आप बच गए तो फिर कर लेंगे लड़ाई, लड़ने के लिए जातिवाद का जहर घोलने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है भाई। इस आंदोलन में सारे लोग हैं? हाँ बिल्कुल, 2500 जो लोग कहते हैं ना कि वहाँ एक, मैं हरियाणा से हूँ भाई, जाट बिरादरी के लोग बैठे हैं, सरदार बैठे हैं, मैं उन लोगों को कहना चाहूँ जो 2500 पंडित कश्मीरी पंडित सिंधु बॉर्डर पर समर्थन दे के गए, हर रोज यहाँ लोग आते हैं, कोई पंडित आता है, कोई यादव, कोई ईर, कोई चमार, हर आता है भाई, तुम कम से कम अपने भाइयों की इज्जत तो कर लो यार, उनका तो ख्याल रख लो, वो लोग अपने देश के प्रति वफादार हैं, आप वफादारी नहीं निभा सकते तो अपने भाइयों की बेइज्जती तो मत करो यार।